हेलो दोस्तों, मैं हूँ शहाबुद्दीन। तो आज मैं आया हूँ काम करने के लिए, इधर झाड़ लगाने के लिए, खड्डा खोदने के लिए आया हूँ। तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो खड्डा कैसे खोदा जाता है, मशीन कैसे लगाना चाहिए और एक घंटे में हम कितना खड्डा खोद सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो, तो आप ज़रूर इसको पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ पहले कि मैं मशीन कैसे लगाया और खड्डा कैसे खोदना है। आप देख सकते हैं इधर ये पूरा मार्किंग किया हुआ है, देखिए जो गोल चिन्ह आपको दिख रहा होगा व्हाइट कलर का, ये पूरा मार्किंग है, पूरा सीधा यहाँ से वहाँ तक, ठीक है। तो मैं इस मार्किंग के बीचों बीच में लगा, ठीक है, एक ये साइड मार्किंग है और एक वो साइड में है। तो मैंने बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप, मैंने बिल्कुल बीचों बीच में मशीन लगाया है, ठीक है। और इस तरीके से मैं बैक साइड से पहले ये खड्डा खोदूंगा और मिट्टी को वहीं रखूंगा, फिर वो वाला जो व्हाइट कलर का दिख रहा है उसको खोदूंगा, वहीं रखूंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से खोदते खोदते जो है मशीन को आगे लेके जाना है, ठीक है। और मैं बता दूं कि एक घंटे में आप कम से कम, ये देखिए मैंने अभी यहाँ से लेके पूरा नीचे तक जो है खोद दिया, यानी कि एक घंटे में जो है आप कम से कम 100 खड्डा तो आराम से खोद सकते हैं, ठीक है। ये सब जो खड्डा है, इस ये बेसिकली जो झाड़ होता है अनार का, आम का या फिर कोई भी तरह का झाड़ होता है, उसको लगाने के लिए ये सब खड्डा यहाँ पर खोदा जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर आपसे पूछता है कि एक घंटे में कितना खड्डा हम खोद सकते हैं, तो आपको बताना है कि एक घंटे में हम कम से कम 100 खड्डा खोद सकते हैं बहुत ही आराम से। डिपेंड करता है कि आपकी ज़मीन कैसी, अगर पत्थर वाली ज़मीन है थोड़ा कम हो सकता है, मिट्टी वाली है तो उतना मतलब परफेक्ट हो ही जाएगा, ठीक है। तो अभी आप देखिए कि मैं किस तरीके से खुदाई करता हूँ। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... फाइनली अभी हमारा काम जो फाइनल हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये टोटल 500 खड्डे थे, अभी मैंने इसको 3.5 घंटे में जो है कंप्लीट कर दिया है। तो आप एवरेज देख सकते हैं कि एक घंटे में कितना खड्डा पड़ा, ठीक है। और ये सब जो बेसिकली खड्डा है, ये अब बाग वगैरह लगाने के लिए होता है, कोई फल वगैरह का, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरीके से जानकारी वाली वीडियो पाने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।